अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड नाइन्थ टुडे वी विल डिस्कस मियोसिस वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मेटाफेज वन एंड वी विल आल्सो डिस्कस द मियोसिस टू सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस वन की कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज है यानी प्रोफेज़ वन उसको हमने एक्सप्लेन किया प्रोफेज़ वन में हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं अब ये जो पेयर्स हैं ये क्रोमोसोम सारे के सारे जो हैं वो अलाइन होते हैं थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज सनेप्सिस फिर हमने बात की कि टोटल जो हमारे पास है फोर क्रोमोसोम्स हैं तो इस सिचुएशन को हमने नाम दिया टेट्रॉड का यानी फोर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास आफ्टर दैट हमने बात की कि एक क्रोमोसोम जो है हमारे पास उसका फर्स्ट आम और सेकंड क्रोमोसोम जो है उसका एक आर्म ये आपस में डिफरेंट पॉइंट्स पर अटैच होते हैं इन पॉइंट्स को हम कहते हैं ख्यास मेटा अब जिस पॉइंट पर दो क्रोमोसोम्स के आर्म्स आपस में कनेक्टेड थे वहाँ पर क्रोमोसोम्स अपने पोशन को या पार्ट को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ इस एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस को हमने नाम दिया क्रॉसिंग ओवर का क्रॉसिंग ओवर का हमने फ़ायदा ये बताया कि जब क्रोमोसोम्स अपना अपना मटेरियल जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में एक क्रोमोसोम्स की जीन्स में वेरिएशंस आ जाती हैं मीन्स वेराइटी आ जाती है और इस वेराइटी की वजह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन्स में अडेप्टेशन्स या सर्वाइवल के लिए जो अबिलिटीज हैं या जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं म्योसिस में इन वेरिएशंस की वजह से जो ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस होते हैं अब उनके पास एबिलिटी है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें फिर हमने कहा कि जैसे ही वेरिएशंस हो गई अब इसके बाद क्रोमोसोम जो हैं वो साइटोप्लास में आ जाते हैं यानी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो ब्रेक करता है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम नाउ प्रेजेंट इन द फिर इनोप्लास में जब जेनेटिक मटेरियल आ गया इसके बाद हमने कहा कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि इंटरफेस में डबल हुए होते हैं अब वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं सेंट्रियोल जो हैं वो राइट और लेफ्ट साइड पे सेल की पहुंच जाते हैं टू सेंट्रियोल जो है उनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसॉम भी कहते हैं हम कह सकते हैं कि अब सेल की एक साइड पर एक सेंट्रोसोम और दूसरी पर दूसरा सेंट्रोसोम प्रेजेंट है इन सेंट्रोसोम से फिर स्पिंडल फाइबर्स अराइज़ करते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स के कईनेटो कोर के साथ आके अटैच होते हैं अब स्पिंडल फाइबर्स और कैनेटो कोर की जो अटैचमेंट है इस पर एक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम के दोनों साइड पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं लेकिन चूंकि में सेंटर में टू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो एक क्रोमोसोम की जस्ट एक ही साइड पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा एक साइड वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो एक क्रोमोसोम के कनेटोकोर के साथ अटैच होगा और दूसरी साइड से जो स्पिंडल फाइबर है वो दूसरे क्रोमोसोम के कानेटोकोर के साथ अटैच होगा अब जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स लेकिन यहाँ पे कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक पहुँचे होते हैं मींस वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते वो सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम तक ही इलोंगेट किए होते हैं फिर हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो सेंटर में हैं मींस अलाइन है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी हो गई है और इनकी अटैचमेंट भी हो गई है क्रोमोसोम के कनेटो को उसके साथ अब नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आती है वो है मेटाफेज वन मेटाफेज वन जो है वो माइटोसिस की मेटाफेज से मिलती जुलती है इसमें भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलोंग द इक्वेटर अलाइन होंगे क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के इक्वेटर पर अरेंज होंगे लाइन अप होंगे अब ये तो है हमारे पास मेटाफेज वन की स्टेज कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन अप गए अलोंग द इक्वेटर अब नेक्स्ट फेज जो है की हमारे पास वो है एनाफेजेज वन अब एना फेज वन में क्या होगा एना फेज वन में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के कईनेटो के, के साथ अटैच हैं ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मींस के लेंथ वाइज डिक्रीज होते हैं इनकी लेंथ जो है शॉर्टन होती है जैसे स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेंगे तो वो साथ ही साथ क्रोमोसोम जो हैं उनको भी पुलिंग फोर्स के थ्रू खींच कर सेंट्रोसोम की तरफ ले जाएंगे अब दोनों सेंट्रोसोम पे जो क्रोमोसोम्स थे वो हाफ हाफ पहुंच चुके हैं बट स्टिल ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर हम माइटोसिस की जो एनाफेज़ है उसको देखें तो उसमें चूंकि एक ही क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे तो जब उनकी पुलिंग फोर्स हुई तो उन्होंने क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स को अलहदा कर दिया लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फ़ाइबर्स अटैच थे तो जब उनमें पुलिंग फोर्स एक्जर्ट होती है तो वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ले जाती है हमने बात की थी क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होकर 92 हो जाता है अब हाफ हाफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों साइड के सेंट्रोसोम्स पे पहुंच चुका है मींस 46 क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पे और 46 दूसरी साइड पे अब क्रोमोसोम नंबर जो है इसको हम विद द रेफरेंस ऑफ 92 क्रोमोसोम हम कह सकते हैं कि ये हेप्लॉइड है कि 92 जो था हमारे पास वो कंप्लीट था अब दोनों साइड पे चुके 46 46 रह गए तो इसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है अब नेक्स्ट जो फेज आएगी हमारे पास वो कौन सी है वो है टीलोफेज फेज टीलोफेज जो है वो प्रोफेज वन का रिवर्स है टीलो वन जो है इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज वन सिमिलरली एस वी सीन इन टीलो ऑफ माइटोसिस अब इसमें क्या होगा चूंकि क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम्स पे पहुंच गए अब उनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा न्यूक्लियर इन्वेल्प की फॉर्मेशन होगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाएंगे उस लूज थ्रेड लाइक फॉर्म को हमने नाम दिया था क्रोमाटीन का अब ये क्रोमाटीन क्या है क्रोमाटीन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब क्रोमोसोम्स लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल है लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं क्रोमाटीन क्रोमाटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्दर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इन हिस्टोन्स प्रोटीन को सराउंड किया होता है डीएनए ने अब न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन गया क्रोमोसोम जो थे वो दोबारा से लूज लाइक फॉर्म में शिफ्ट हो गए जिसको हम कह रहे हैं क्रोमाटीन अब नेक्स्ट फेज जो आएगी वो है साइटोकेनेसिस मींस अब जो साइटोप्लास्म है सेल का उसने डिवाइड करना है अब इसको हम देखते हैं कि जो मियोसिस वन है इसमें साइटोकेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है मियोसिस वन में भी जो साइटोकेनेसिस है वो सिमिलर है टू द साइटोकेनेसिस ऑफ माइटोसिस इसमें सबसे पहले सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक क्लीवेज फ्रो डेवलप होगी यानी एक जो डिप्रेशन है वो क्रिएट होगी अब ये जो क्लीवेज फ्रो है ये डीप होते होते एक सेल को टू सेल्स में डिवाइड कर देगी यानी क्लीवेज फ्रो की वजह से अब जो एक पेरेंट सेल था वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया अब ये जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं इन दोनों में 46, 46 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है अब प्लांट सेल्स जो हैं उनमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है अब प्लांट्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म है प्लांट्स में चूंकि चूंकिल्स प्रेजेंट होते हैं ये वेजिकल सेंटर में अरेंज होते हैं सेंटर में अरेंज होते होते ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं यानी दो वेजिकल्स से वो फ्यूज कर जाएंगे फिर नेक्स्ट वेजिकल आएगा वो इनके साथ फ्यूज कर जाएगा और इस तरह से प्लांट सेल्स में सेंटर में एक प्लेट डिवेलप होना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेग्मोप्लास्ट अब ये जो प्लेट है ये जैसे जैसे इसमें आकर वेजिकल जो हैं वो फ्यूज करते जाएंगे ये अपनी लेंथ में इंक्रीज होती चली जाएगी ये फ्रेगमोप्लास जो है ये इंक्रीज करते करते अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी यानी अपर साइड से और लोअर साइड से ये इलोंगेट होती गई और अब जाके ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएगी जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है तो जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं यानी वेजिकल के अंदर का जो कंटेंट्स है सारे का सारा अब सेल वॉल के साथ मर्च कर जाएगा अब इस तरह से प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास क्रिएट कर कर एक सेल का जो साइटोप्लास्म है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है अब साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल्स हैं वो एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज में कुछ देर के लिए चले जाते हैं इसको हम कहते हैं इंटरफेस टू अब ये इंटरफेस टू जो है ये इंटरफेस वन से मुख्तफ है इंटरफेस टू में अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी सिंथेसिस नहीं होती मींस इसमें सिर्फ जो एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक like माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह ये प्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन इसमें जुनेटिक मटीरियल या जो सिंथिस फेज है वो इन्वॉल्व नहीं होगी अब इंटरफेस में सेल कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर अपने आप को मियोसिस टू के लिए प्रिपेयर करते हैं अब फाइनली हम देख लेते हैं कि मियोसिस टू में क्या होता है मियोसिस टू में भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मियोसिस टू में प्रोफेस टू मेटाफेस टू एनाफेस टू एंड टीलोफेस टू और उसके बाद जो सेल है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेस वन को जो कि मियोसिस वन की डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स मियोसिस वन तो एक हमने एक्सप्लेन कर दी अब हम देखते हैं मियोसिस टू जो है उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो हैं या प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मीन्स अगर हम प्रो फेज़ टू की बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल नहीं होगा डिफरेंस यहाँ ये है कि जो प्रोफेज वन थी उसमें क्रोमोसोम्स डबल हुआ था लेकिन ये जो प्रोफेज़ टू है इसमें क्रोमोसोम डबल नहीं होगा दूसरा इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करके तो उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अब क्रोमोसोम्स के सेंटर पे प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे इन स्पिंडल फाइबर्स को हम नेम देते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स अब नेक्स्ट जो फेज आती है हमारे पास वो है मेटाफेज टू मेटाफेज टू में क्रोमोसोम जो हैं वो सेंटर में अलाइन होंगे अलोंग द इक्वेटर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड हैं इनके साथ अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है एनाफेज टू एनाफेज टू में स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और जो क्रोमोसोम्स हैं इनको अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम की तरफ पुल करेंगे जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे अब जैसे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है टीलोफेज टू टीलोफेज टू में क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर हैं अब इनके अराउंड दोबारा से जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्रिएट किया जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप की फॉर्मेशन होगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगेन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं क्रोमाटीन अब नेक्स्ट फाइनल स्टेज आती है मियोसिस टू के कैरियोकेनेसिस के बाद वो है साइटोकेनेसिस। साइटोकेनेसिस में अब साइटोप्लास्ट डिवाइड करेगा अब ये जो सेल्स हैं इनकी सेंटर में क्लीवेज फ्रो डिवेलप होगी और ये क्लीवेज फ्रो डीप होते होते आहिस्ता आहिस्ता एक सेल को दो में डिवाइड कर देगी अब हमारे पास फाइनली मियोसिस टू की साइटोकेनेसिस के बाद चार सेल्स हैं और हर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो ट्वेंटी थ्री है इस तरह से ह्यूमंस में जो स्पर्म सेल्स हैं या एग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मींस जो फाइनल सेल्स हैं उनमें पेरेंट सेल की नस्बत जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है इस सिचुएशन को हम कहते हैं हेप्लॉयड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मियोसिस वन की मेटाफेज वन स्टेज से स्टार्ट कर मियोसिस टू तक इस सारे के सारे जो प्रोसेस थे उनको एक्सप्लेन किया मेटाफेज वन में हमने देखा कि क्रोमोसोम जो हैं वो अलोंग द इक्वेटर अलाइन होते हैं एनाफेज वन में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इन पर फुल पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करते हैं जिसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं टीलोफेज वन में हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब इनके अराउंड न्यूक्लियर इनवेल्प डिवेलप किया जाता है साथ ही साथ ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लूज लाइक फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाते हैं जिसको हमने नेम दिया क्रोमाटिन का एंड फाइनली वी डिस्कस कि जो मियोसिस वन है उसमें सेल जो है वो साइटोकेनेसिस के थ्रू एक से दो में डिवाइड होता है अब डिवाइड जो होता है वो एक क्लीवेज फ्रो की वजह से होता है क्लीवेज फ्रो सेल की ब्रेन में एक डिप्रेशन है जो फर्दर डीप होकर एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है हमने कहा मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद जो सेल्स हैं वो इंटरफेज़ टू में एंटर होते हैं इंटरफेज़ टू में जो जेनेटिक मटेरियल है या सिंथेसिस फेज है वो इन्वॉल्व नहीं होती फिर इंटरफेज़ टू में कुछ देर रेस्ट करने के बाद सेल्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं अगेन डिवाइड करने के लिए फिर स्टार्ट होती है मियोसिस टू मियोसिस टू की जो प्रोफेज है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है प्रोफेज वन से अब इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से ऑर्गेनाइज होते हैं यानी जो लूज थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है वो ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं बनने के बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है फिर नेक्स्ट फेज जो हमारे पास आती है वो है मेटाफेज़ टू मेटाफेज़ टू में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अलोंग द इक्वेटर अलाइन होते हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है एनाफेज टू एनाफेज़ टू में क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो पुलिंग फोर्स के थ्रू उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देते हैं अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं जैसे वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है जो है टीलोफेज टू टीलोफेज टू में इन क्रोमोसोम्स के अराउंड दोबारा से न्यूक्लियर इनवेलप डिवेलप होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक क्रोमाटिन में चेंज हो जाते हैं फिर फाइनली हमने देखा कि साइटोकेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेल्स जो है वो फर्दर टू इक्वल हाफ्स में कट हो जाता है या टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है इस तरह हमने देखा कि कैसे म्योसिस वन और म्योसिस टू के थ्रू जो सेल है वो डिवाइड करके फोर एप्लॉयड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाता है तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर I hope now you have a clear idea about meiosis and its types, meiosis one and meiosis two. Meet in next lecture. Me Allah Hafiz.